फ्रेंड्स आम आखपाखे एमती बहुत लोग था जो मैंने पिलाबेलू नहीं कि युवक होगा पर्यंत नॉर्मल क्षीर को देखिले मुह बुले था लोक मैंने क्षीर को निजर शत्रु मन करती परंतु क्षीर न्यूट्रिएंट्स भी दरकार होता है से कन्फ्यूज रही था एम प्रोब्लेम को दूर करवा बहुत ही इंपोर्टेंट कहीं लोक क्षीर दरकार होता है फ्लेवर जे खाली क्षीर स्वाद को टे भल कर बर क्षीर न्यूट्रिएंट्स को बढ़े एमती कहीं गोटे प्रोडक्ट हो बॉर्नविटा ये ना को तो आपचय जानते कहार कारण ये कि आप क्षीर को केते भी खराब भावंतु किंतु बॉर्नविटा को देखा मात्र ही से क्षीर को पीवाई मन होता है बहुत लोग तो या चुप चुप कर शुखिला ही खाई जाती परंतु कौन आपड़ जानते कि चाष कर जगार नहीं कि फैक्ट्री पर्यंत और फैक्ट्री नहीं कि आपण घर किचन पर्यंत ये अमेजिंग प्रोडक्ट केते लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखिए होता है। आज वीडियो रे आमे जानिबा कि बॉर्नविटा को तैयारी करने को जिनस यूज करें से माने को लोक जो मैंने बॉर्नविटा को भल मानि न था तो एमतीका प्रश्नर उत्तर जानापी वीडियो को निश्चय शेष पर्यंत देखु। बॉर्नविटा को तैयारी गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस परंतु यार प्रोसेस को जानिबा पूर्वरु प्रथम ये बुझा को हम कि प्रोडक्ट और ये कंपानी आरंभ केमी और कौटी आपण को कहीदे कि बॉर्नविटा को कैडबरी कंपानी या से कंपानी जहाँ आपण मैंने डेरी मिल्क कि फाइव स्टार चॉकलेट खाई था एमती रे आपको जना थ कि डेरी मिल्क या कंपानी सतरे ये इंडिया नुहे बर ये ब्रिटेन कंपानी और तार प्रडक्टर एत डिमांड कि किए भी ताको इंडियन कंपानी बोली भाबार भूल करदेव एमती रे कैडबरी जी पुराणा कंपानी से पुराणा बॉर्नविटा यार पचर गोटे हिस्ट्री अच्छी सीए बहुत ही इंटरेस्टिंग 1920 मसीह ब्रिटेन कैडबरी कंपानी गोटे प्रडक्ट या फुल क्रीम मिल्क फ्रेड एग्स मल्ट और चॉकलेट को मिक्स करके कहीं सर्वप्रथम या इंग्लैंड बॉर्नवेल गाँव में या से यार ना बॉर्नविटा रखा जाता 1948 मसीह प्रथम थर कैडबरी कंपानी इंडिया को आसी से ही वर्ष इंडिया बॉर्नविटार बिक्री आरंभ हो जाता यार मान ये कि बॉर्नविटा को आम बापा जेजेबाबा पीथे तो चलत जाना बॉर्नविटा को कौ भाई भाव में याई है। फ्रेंड्स बॉर्नविटा या प्रोसेस फैक्ट्री पूर्वर आरंभ हो जाए चाष जमीर यही सब अधिक क्वांटिटी होता है कोकोआर से कोकोआर फ्रूट्स बहुत अधिक मात्रा दरकार होता है कहीदे कि कैडबरी निजर कोको फार्म अच्छी बहुत थर एम कोको को इम्पोर्ट कर यार हाई क्वालिटी कोको फ्रूट्स को तोला जाए था एवं तापर तार कभर को खोलिकी तार मंजी को एकाठी करा जाए था एसबु काढ़ी सारा सांगे सांगे यूज करा जाए न था कहीं सांगे सांगे बाहरी मंजी बहुत भल क्वालिटी आसी न था से मंजी को खोला आकाश तले पखापाखि दुई सप्ताह पर्यंत रखा जाए था गोटे थर जितेबाला मंजी भल भाव सुखी जाए तापर जाकि तार आग को प्रोसेस होता है दुई सप्ताह लंबा समय अपेक्षा करने कोको को कलेक्ट करके बैग्स भर्ती करके पैकिंग किसी भाव में फैक्ट्री को ट्रांसफर कराए कौन आपको जना अच्छे कि यही सब कम इंडिया ही है इंडिया कैडबरी प्रोडक्शन मंडल्स इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड देखी था जहाँ यार बिस्कुट ठू नहीं कि पैदर पर्यंत कम संभा थाए कोको जितेबाला फैक्ट्री में पहुंची जाए से या भल भाव रोस्ट कर ठीक सेमती जमी चीना बादाम को कराए जितेबाला रोस्ट कर प्रोसेस सरी जाए से सीड्स को भल भाव पेशा जाए पाउडर को कन्वर्ट करी आपको लगुच कि ब्राउन कलर प्रडक्ट ही असली बॉर्नविटा तेबे फ्रेंड्स आपण भूल भावुचंती एबे तो ये तैयारी प्रथम स्टेप होता है कहीं बॉर्नविटार असल कहानी आरंभ होता है भल भाव में मिक्स करने जो प्रोसेस पाउडर इंपोर्टेंट इनग्रेडिएंट सामिल करमती स्टार्क सुगर बेकिंग सोडा लिक्विड ग्लुकोज और आपण मनपसंद फ्लेवर यही सब कुछ भल भाव में मिक्स कराए ये सब से ही इनग्रेडिएंट्स जहाँ आपण बॉर्नविटार बॉक्स रे देखी था विटामिन्स किसी अमाउंट मिनरल्स और प्रोटीन मिसेकी ये मिक्सचर तैयारी पूरा मसला को बड़ा मिक्सचर भितर पकई दिया जाए पुणि थे दुई घंटा पर्यंत भल भाव में मिसा जाए था दुई घंटे सब जिनस भल भाव में मिक्स हो जाए जितेबाला मिक्सचर भल भाव में रेडी जाए से मिक्सचर को मेसीन बाहर कर दि जाए यापर आसे यार पैकेजिंग बहुत सारा लेबर निज निज डबार ओजन अनुसार बॉर्नविटार पैकिंग भाव में बॉर्नविटा फार्म हाउस रु नहीं कि फैक्ट्री पर्यंत एवं आपण क्षीर ग्लास पर्यंत सफर को फुलफिल करथाय कौन आपण जानिछंती कि बॉर्नविटार सबुठारु अधिक बिक्री भारत रे ही हेथाय परंतु ए ब्रांडर वैल्यू आग अपेक्षा बहुत ही कमी जायछि जदि या पछर कारण को देखिबा तो यार बहुत कारण सामना को आसीथाय ता भितरु बहुत बड़ कारण हेउछि यार बढ़ुथिबा कंपिटिशन मार्केट रे हॉर्लिक्स कॉम्प्लान ओ बूस्ट परिका बहुत सारा प्रोडक्ट आसी गलन जहाँकि कस्टमर को बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड करथाय ओबवियसली सत कथा ये कि
ଏହାଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟାର ସେଲ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହିଁ କମିଯାଇଛି। ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ଏହି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଇମେଜକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଏଇଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଡିଫେକ୍ଟକୁ କାଢ଼ିବା। ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଷ୍ଟ ମାନନ୍ତି କି ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଏନର୍ଜି ବଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପାଉଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଶିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମାରିଦେଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଏବଂ ତା ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେପଟେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆଜିର ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସାରା ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ନାଁକୁ ଉପରେ ରଖିବା ବହୁତ ହିଁ ମୁସ୍କିଲ। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆୱାରନେସ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟାର ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଏ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ଏମିତିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଗଲାଣି ଯାହା 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ସହିତ ବାକି କମ୍ପାନୀର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଘାଟାରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଝଟକା ଲାଗିବ କି ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଫାଇଦାରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ନାଁ। ନିଜ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଭରସା ଏବଂ ଲଗାତାର ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇ ରହିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର। ଏମିତିରେ ମାର୍କେଟରେ ବି ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭରର ବି ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଆସୁଛି। ପାଉଡରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ବି ନିଜର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ତା'ର 10 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ର ନେଇକି 500 ଟଙ୍କିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭରବାଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମେଡିସିନ୍ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ବର୍ଣ୍ଣଭିଟାର ଡବା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ, ହର୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।